पिछले एपिसोड में हमें माइनक्राफ्ट के सबसे रेयरेस्ट द ब्लू एक्सोलोटल मिले थे, और उस एक्सोलोटल के लिए मैंने एक स्पेशल लेक बनाया था। ये नेचुरल लेक था भाई। भाई कितना खून कर रही है भाई एक्सोलोटल। वो रही हेलो, बस कर थोड़ा मारना यार, कितना मारेगी। तो ये लेक पहले से ही थी और इसको मैंने दीवार से कवर कर दिया था और अंदर हमारी एक्सोलोटल को डाल दिया। ए दोस्त सुनना भाई, इसका भाव आजकल मेरे से भी ज्यादा चल रहा है, पता है? चल रहे मच्छी। हाय गधे, गुड मॉर्निंग। ये देख क्या है मेरे पास, देख। ओ किसी देने जा रहे हो, उसको दे दे दे। तुम लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि इस मोहतरमा के लिए एक स्पेशल घर बना जाए। वो लेक काफी नहीं है क्या, तुम लोग को और एक घर चाहिए? मेरे से इतना कम क्यों करवाते हो तुम लोग? भाई आज भी डूबने चला तू। चल भाई आ जाओ, मोहतरमा तुमको छोड़ देता है तुम्हारे पुराने घर में। अब इन लोगों ने बोला तो तुम्हारे लिए नया घर बनाना ही पड़ेगा ना। इनकी इच्छा सर आंखों पर। इधर गए, भाग भी गए। सुनना मेरी बात भाई, जाते ही मारना शुरू है, बोन मिल दिया रे। ओके इट्स नाइट टाइम। और आज मैं एक्चुअली इतने दिनों बाद खेल रहा हूँ ना, मस्त वेकेशन में घूम के आया मैं 10-15 दिन। ये माइक, ये कैमरा और ये कीबोर्ड कितना मिस किया यार मैं। भाई पूरा धूल से भरा हुआ ही है, लेकिन हम धूल भरे कीबोर्ड में भी खेलेंगे। डेडिकेशन देख रहे हो मेरा? जा गधे तू भी घूम के आ 10-15 दिन, मस्त मजा आएगा। बाय द वे मैंने फोटोज इंस्टाग्राम पे डाले थे, देखा कि नहीं? तुम फॉलो नहीं करते हो यार, इसलिए नहीं दिखता है तुम लोग को। जाओ जाके फॉलो करो जल्दी, और लाइक सब्सक्राइब दोनों को मार दो, क्योंकि आज मैं एक बहुत स्पेशल चीज बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे जमीन ढूंढनी पड़ेगी। एक्वेरियम में चाहता हूँ मैं पानी के ऊपर ही बनाऊँ, ताकि मच्छी को भी ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए, राइट? वो सी के नजदीक ही होनी चाहिए। ये आइलैंड बहुत टाइम से है यहाँ पर। मिल गई जमीन, मैंने डिजाइन ऑलरेडी सोच के रखा है। मैं फुल मॉडर्न कंक्रीट और ग्लास का बनाऊंगा एक्वेरियम, इतना मॉडर्न ना ये विलेजर्स लोग फुल जलने चाहिए अंदर से एकदम। नहीं यार मेरे विलेजर्स है, जल जाएंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा यार, इतनी भूख क्यों लग रही है यार मुझे। आप 15 दिन बाद आया ना, बराबर बराबर। डोंकी वो जमीन मस्त है ना, डोंकी का अप्रूवल मिल गया, चलो खुदाई करते हैं। सबसे पहले इसको हमें सपाट करना पड़ेगा। मैं ना एक ट्यूब वाला एक्वेरियम बनाना चाहता हूँ। अरे कुछ ज्यादा ही सपाट हो गया, आधा जमीन पे रहेगा और आधा पानी के ऊपर रहेगा, एकदम फ्लोटिंग एक्वेरियम बनाएंगे। ग्लास इसके लिए मुझे बहुत चाहिए। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। वेल टेंशन की बात नहीं है, पूरा डेजर्ट है इधर हमारे पास, है ना डुक्कर? डुक्कर थोड़ा तो भाव दे यार, मरेगा एक दिन वो। यहाँ पर ग्लास तो बहुत सारा है मेरे पास, बस इंक सैक की नहीं नहीं कमी नहीं है, बहुत भर भर के है भाई। ये ऑक्टोपस है ना, नदी किनारे मरते रहते हैं, फ्री का ड्रॉप करता है इंक सैक। ये तो बाल जैसा दिख रहा है। मैंने कुछ ज्यादा ही बना लिया ब्लैक डाई, टेंशन नॉट, मैं हूँ ना, मैं ही बनाने वाला हूँ वैसे भी। अरे ये थोड़ी देर में डूबने वाला है। अब मैं बिल्डिंग शुरू करने वाला हूँ और आप लोग देखोगे टाइम लैप्स। सबसे पहले मैंने एक्वेरियम का ओवल शेप का स्केलेटन बनाना शुरू किया। उसी शेप को मैंने ब्लैक स्टेन ग्लास यूज करके 25 ब्लॉक पीछे तक एक्सटेंड कर दिया और धीरे धीरे करके एक्वेरियम की पूरी छत को भरने लगा। फाइनली हमारे एक्वेरियम की छत कम्प्लीट हो चुकी थी। सिर्फ छत ही हो अब तक, पूरा एक्वेरियम बाकी है। छत होने के बाद मैंने फ्लोर पर काम करना शुरू किया। हमारा आधा फ्लोर आइलैंड पे था और आधा फ्लोर पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा था। पूरे फ्लोर को मैंने ब्लैक स्टेन ग्लास से ही कवर कर दिया। अब बाकी थी साइड की दीवारें, उनको भी मैंने भर दिया। और क्या, एक्वेरियम की चारों दीवारें भरने के बाद मैंने बनाना शुरू किया दरवाजा। दरवाजे को रेक्टेंगल बना के बीच में से पिचुक दिया, बन गया ओवल दरवाजा। अब दरवाजा बनने के बाद बाकी की जो फ्रंट दीवार थी उसको भी पूरा ग्लास से कवर कर दिया और इसी दरवाजे को फुल पीछे तक एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ये दरवाजा हमारा ट्यूब टाइप बनने वाला था जो कि जाएगा सीधे इन्फिनिटी पूल में। अल्टीमेटली बहुत घंटों बाद एक्वेरियम की डिजाइन पूरी रेडी हो चुकी थी। बीच में ये ट्यूब बनेगी हमारी व्यूइंग गैलरी और इसके चारों बाजू होगा पानी। इसी पानी के अंदर घूमेगी हमारी रेयरेस्ट एक्सोलोटल। अब एक्वेरियम की मेन चीज तो बाकी रह गई, पानी। धीरे धीरे वन बाय वन इन्फिनिट वाटर ट्रिक को यूज करके मैंने पानी भरना शुरू किया। एट अ टाइम एक ही लेयर हो रहा था क्योंकि पानी के अपने ही अलग नखरे होते हैं, बट वन बाय वन करके मैंने पूरा एक्वेरियम पानी से भर दिया चारों तरफ। अब हमारा एक्वेरियम मछलियों के लिए रेडी था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड लॉट्स ऑफ बालकों, एक्वेरियम रेडी हो गया और बहुत ओपी दिख रहा है। अरे गधे बीच में आ गया, गधा फुटेज खा रहा है मेरी। 3-2-1 गो। टन एंड ये रहा अपना मॉडर्न एक्वेरियम। तो भाई और बहनों गधे के ऊपर से कूद के जाएंगे हम सीधे एक्वेरियम में। मैं जो बिल्ड कर रहा था वहां पर ऑप्टिफाइन चालू नहीं था। ऑप्टिफाइन करने के बाद पूरा ग्लास एक साथ जुड़ चुका है, बहुत मस्त दिख रहा है। बताओ कमेंट्स में कैसा दिख रहा है। ये देखो आधा आइलैंड के अंदर है और आधा फ्लोटिंग है। माइनक्राफ्ट में कुछ भी फ्लोट होते रहता है वो अलग बात है। टॉइंग टॉइंग टॉइंग। यहाँ पर जाने से पहले थोड़ा पार्कोर करना पड़ेगा। एंड ये रही हमारी एक्वेरियम की एंट्रेंस जो कि इन्फिनिटी स्विमिंग पूल जैसी है, क्योंकि इसके आगे आप देखो तो छत टपक रही है। देखो तो एक वाटरफॉल है, सीधा जाता है समंदर में, इसी को बोलते हैं ना इन्फिनिटी पूल। और एक्वेरियम के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो ये चारों कंपार्टमेंट्स कनेक्टेड है, मतलब मछली इधर से गोल गोल किधर भी घूम सकती है। पूरा एक्वेरियम बाहर से एक ही है। यहाँ पर ऊपर मैंने ट्रैपडोर्स लगाया है, एक तो ऊपर से सनलाइट आती रहेगी तो अंदर उजाला रहेगा, और दूसरी बात
आता है मुझे मेंटेनेंस के लिए ये खुला रखना पड़ता है, क्योंकि ना मच्छियां जो सुसु पॉटी करती है पानी में करती है ना, अभी वो थोड़ी पानी के बाहर रहेगी पॉटी करने के लिए, तो पानी को साफ रखना पड़ता है। ये बॉटम बहुत खाली खाली दिख रहा है भाई, इतना सूना सूना क्यों है, और इतनी सारी बड़ी सी जगह है मछलियों को स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि मैं उनको थोड़ा फ्री स्पेस देना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ क्रूअल मैन, ओके, बहुत अच्छा बच्चा हूँ मैं। अब मैं ना फटाफट एक काम करता हूँ, मेरे एक्सेलोटल को लेकर आता हूँ, हमारे नए घर में उसका स्वागत किया जाए। आज मेरे एक्सेलोटल बहुत खुश होने वाले, बहुत ज्यादा। भाई सारी मछलियों को मार दिया इसने, क्या खूनी है ये एक्सेलोटल, क्या क्रूअल मानुस है ये, तो इसको तो अभी नया जगह पर डालना ही पड़ेगा। एक रोल मानुस, रुक रुक, इसका मैंने नाम नहीं रखा अब तक। यार कमेंट्स में कोई फनी सा नाम बताओ यार, जिसको सुनता ही हंसी छूट पड़े। वाह क्या दिख रहा है, मुझे रोना आ रहा है। फेक आंसू, इसको मैं शेडर्स चालू करके देखता हूँ ना। 3, 2, 1 गो। भाई कुछ नहीं दिख रहा है, ये धूप तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, एकदम सुपर से भी ऊपर दिख रहा है। ये स्टेप्स मुझे बहुत पसंद आया, देखो फ्लोटिंग स्टेप्स है, मैंने बनाया, मैंने, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये एक्चुअली क्वार्ट्स के स्लैब्स है जो कि पानी में फ्लोट हो रहा है। नाइस भाई, नाइस। ओ भाई वाह बेटे, तोड़ बट बेटे, वाह भाई वाह। लेकिन इसमें मछलियां कैसे दिखेंगी, चलिए डालकर देखते हैं। इधर से ना अपने को ओशन टेम्पल भी दिखता है, एक आंख वाली मछली, जो क्यूट, दरिया का मंदिर है ये। चलो भाई एक्सेलोटल, वेलकम टू योर न्यू होम एक्सेलोटल। नहीं नहीं, वेयर यू गोइंग, हियर 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 यू गोइंग, गो गो, धीरे धीरे, आराम से, गिर मत जाना बेटी, ओके। कितनी प्यारी लग रही है यार, रेयरेस्ट एक्सेलोटल अपने मॉडर्न घर में जा रही है। पलट क्यों गई बे, अरे पलट, तेरा घर इधर है, व्हाई आर यू उल्टा गोइंग यार, गो सीधा गोइंग, जाओ नीचे गोइंग। ए गई, ए हंस रही है भाई, बहुत पसंद आया, थम्स अप। भाई कितनी भाग रही है आराम से यार। इधर मेरे को घास उगाना चाहिए, मुझे कोरल डालना चाहिए, बहुत मस्त दिखेगा, और थोड़ा सा समंदर का आचार भी। एक्सेलोटल इधर ही घूम, मैं सब कुछ लेके आता हूँ, ठीक है। समुद्र का आचार बहुत सारा है मेरे पास, टेंशन नहीं लेवानो, अपने ट्रेजरी में सब कुछ अवेलेबल है। ये भाई मेरे को मेरे ही घर में आने से डर लग रहा है, मेरे को लगा इधर कोई तो छुप के बैठा है, मैं शेडर्स में ये घर डरावना दिखता है। ये रहा 87 पिक्सल है, 17 पे खतरा, मतलब हमारी एक्सेलोटल को खतरा है। दया नहीं, दया तुम्हारा कुछ काम नहीं है, हक दिया मैंने, दया तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम आराम से मजे करो, मैं सब काम देख लूंगा इधर। भाई फिर से हक दिया, चलो चलो एक्सेलोटल को ढूंढो, किधर गई, ये रही, हेलो प्राणी। शेडर्स ऑफ कर दो भाई, बहुत हो गया, उनका काम खत्म। किधर गई एक्सेलोटल, हाइड एंड सीक खेल रहे अंदर, मैं लाइट डालता हूँ, रुको जरा, हर जगह दो दो लाइट डालेंगे भाई, कैंडल जलाओ। ओ भाई आचार खत्म, चलो भाई एक एक आचार दो, मजा आ रहा है ना एक्सेलोटल, हाँ तो बोलो हाँ। एक्सेलोटल को मैं मेरे पप्पिया की भाषा सिखाऊंगा, बहुत इजी भाषा है वो, एक ही वर्ड है उसमें। चलो लाइटें लग चुकी है दोस्तों, अब मेरे पास आ चुका है बहुत सारा बोन मील, लेकिन ग्लास के ऊपर घास उग गया क्या, क्या पता। ओ भाई उग रहा है, नाइस माइनक्राफ्ट लॉजिक भाई, वेरी गुड, कांच के ऊपर घास उग रहा है भाई, ओके। अब ये भरा भरा सा अच्छा लग रहा है, हरा भरा कबाब, भूख लग गया यार। ओके गाइस, चारों तरफ घास उग चुका, और एक्सेलोटल को क्या हो रहा है उधर, ये अटक गए उधर, ये अटक गए कि हिचकिया रहे इसको, भाई इतना पानी है तुमको इधर ही घुसना है क्या, हाँ बोल रही है, हाँ ऐसा डोलते हुए हाँ बोलती है। अच्छा तू अकेली है इसके लिए क्या, ओ सॉरी, घास फूस तो डाल दिया मैंने, ले और डाल दिया, अब तेरे दोस्तों को भी लेके आता हूँ, चल तू मरना मत प्लीज, इतनी मुश्किल से मिले है भाई ये, तेरे को तो लगता है मेरे को ऐसा डालना पड़ेगा, जा। अब यहाँ पर सिर्फ कोरल की कमी है और थोड़े से सी पिकल्स की, इसको मैं और भी अंदर से डेकोरेट करूंगा, टेंशन मत लो, मेरी एक्सेलोटल के लिए कुछ भी। एक्सेलोटल को थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे अपन, ये रहा इसका हरा भरा सा लुक, ये एक्चुअली हरा भरा कबाब दिख रहा है, ऐसा पकड़ के खा लूंगा सीधा। भाई मत बोला कर यार, भूख लग रही है इधर डोंकी। और भाई लोग कैसे हो, 15 दिन बाद मिल रहा हूँ तुम लोग का, भाई तेरी एक्वा एफिनिटी बहुत काम आ रही है। एक्सेलोटल मस्त घास में बैठ के हाइड एंड सीक खेल रही है, अभी मुझे एक्सेलोटल को खाना भी खिलाना पड़ेगा। चल मच्छी पता नहीं कितना खाती है, खाती है, जाता किधर है उसका। ये ले ब्रो तेरे लिए खाना लाया मैं, ब्रो ने इससे सॉरी बहन है वो, यस यू आर माई सिस्टर, तेरे को राखी बांधने का, मेरे लिए खाना खा। अरे ये नहीं खाती है रे, वो मछली खाती है, जाओ भाई तुम लोग की जान बच गई। ओ व्हाट, अभी इधर एक रुइन पोर्टल है गाइस, मेरा घर के नीचे रुइन पोर्टल है, इतने टाइम से खेल रहा हूँ मैं, आज दिख रहा है मेरे को ये, क्या मस्त छुप के बैठा है यार तू। चलिए देखा जाए क्या है इसके अंदर, ठीक है कुछ नहीं है, चलो इससे ज्यादा सामान तो मेरा पपिया दान में देता है। अच्छा है तो छुप के ही रहे तू, ऐसा बेशरम लूट लेके आता है ना, दिखने का ही नहीं। मिले बेबी ने थाना थाया, हेलो बेबी थाना था लो नहीं मेरी एक्सेलोटल छपरी नहीं है, मैं इसको छपरी बनाना नहीं चाहता। अरे आ गई तू, ओ वाओ, तू क्या हाँ बोल रही है, यू आर नॉट छपरी, ठीक है, थाना थालो तेला थालो ये सब नहीं करने का, ठीक है, मस्त इज्जत में रहने का ये लेखा, बस एक ही चाहिए। चलो बाकी को इधर डाल देता हूँ, और क्या, जाओ जाओ तू अपने आप खा लेना। अरे भाई भाई थोड़ा इज्जत से मार उसको, इतनी प्यारी है यार, मेरे पास सामने से आ रही है, आई लव यू 100,000 टाइम्स, तू हिचकी क्यों खा रही है, लेकिन तेरे को पानी चाहिए पीना, इतना सारा पानी है, ये ले खा। अभी बाकी मछलियों को मेरे को ऐसे ही डालना पड़ेगा, अरे भाई रुक ना यार, थोड़ा तो जीने दे उनको। और भाई एक्सेलोटल आ गया स्वाद, कब से स्वाद ले रही है भाई, सब मछली को मार रही है, थोड़ा कम कर तेरा स्वाद लेना। एक्चुअली इधर भी घास उगाओ यार, एक बोनमील में कितना कुछ उग जाता है भाई, एक पप्पी भी जाती है, नमस्कार पप्पी, डालो डालो हर जगह डालो बोन मील, पूरा एरिया सुगंधित हो जाता है, बंजर जमीन खूबसूरत जमीन, डोंकी तेरे को भी चाहिए बोन मील, ये ले।
क्या नहीं चाहिए? ओके फाइन, पूरा गार्डन सजा डालूंगा भाई, फूलों से भर दूंगा भाई, खत्म हो गया भाई। अब हमारा गार्डन कैसा लग रहा है दोस्तों? एकदम ओपी, एकदम भरा भरा सा लग रहा है। और हर बार कबाब क्यों याद आ रहा है मेरे को? अर कल मेरे को कबाब खाना पड़ेगा सच्ची। गाइस गोलम को टपली मारना है क्या? तुम लोग बताओ मारो क्या? सब लोग हाँ बोल रहे हैं। भागो भागो भागो, हो गया टपली, हो गया भाई। आ रहा है क्या अभी भी? नहीं आ रहा है, वो जानता है कि मैं मालिक हूँ, समझ रहे हो? गोलम इज सो स्मार्ट, यू नो। नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है भाई। गोलम नौकरी कर अपनी, पगार नहीं दूंगा तुझे मैं। देखा, सुनता है वो मेरी बात? तुम लोग का एक्सलोटल फार्म देखना है, वहाँ पर बहुत सारे एक्सलोटल स्पॉन होंगे अभी, क्योंकि मैं यहाँ से 124 ब्लॉक्स दूर था। अरे मेरा माइन किधर है यार? हमेशा नहीं मिलता है मेरे को, हमेशा घूम जाता है। ये रहा इधर है। चल भाई लिफ्ट अंदर ले, आ जाइए माइन के अंदर। हर हर आवाजें आ रही थी मुझे। ये रहा अपना एक्सलोटल फार्म। ओके इधर तो मेरे को एक भी नहीं दिख रहा है। आई होप सो नेदर की पिट में होंगी, बहुत सारे होंगी, बोल रहा हूँ मैं। ओ हेलो, है भाई। वो व्हाइट वाली मुझे बहुत पसंद है, उसके बाद वाली, उसके बाद येलो वाली, येलो। अरे ब्राउन वाली तेरे लिए बचा ही नहीं यार। कोई नहीं, मैं तेरे को सेकंड राउंड में लेके जाता हूँ, ठीक है? चलो एक्सलोटल अपने नए घर में। देखो तुम लोग झगड़ा नहीं करना, ठीक है? साथ साथ में रहना। ये लो जाओ बाय, अपने नए घर में वेलकम। तुम भी जाओ पिंक वाली, और तुम भी जाओ येलो वाली। अब इन सबको खाना कौन खिलाएगा यार? लगता है मुझे ट्रॉपिकल फिश का फार्म बनाना पड़ेगा। ए भाई लोग सुन, अगर तुम लोग ने रेयर वाली को कुछ किया ना, मैं तुम लोग का बहुत कुछ कर दूंगा, मार ही दूंगा। और क्या, मेरा नेक्स्ट गोल ये होगा कि मैं कोरल ढूंढूंगा, और वो कोरल मैं इस एक्वेरियम में लगाऊंगा, और डॉल्फिन्स भी डालूंगा भाई। बहुत बड़ा एक्वेरियम है भाई, सबके लिए जगह है इसमें। एक्वेरियम अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। है एक्वेरियम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।